लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक। अभी वजीर आजम के बेटे को कॉल कर दे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? ठीक हो? हाँ यार, मैं ठीक ठाक हूँ। कैसे याद किया? असल में यार, मैं ये सोच रहा था कि जो इसराइल वाले हैं ना, वो फलस्तीनियों पर बहुत ही जुल्म कर रहे हैं, जुल्म की इंतहा हो गई यार। कंट्रोल। तो मैंने सोचा यार कि तुम बहुत ज्यादा बड़ा आदमी हो, मैं थोड़ा सा छोटा आदमी हूँ, तो अगर हम दोनों मिल जाए ना, हम इसराइल वालों को तबाह बर्बाद कर देंगे। और तुम पहुंचे हो या नहीं पहुंचे, ये पूछने के लिए मैंने कॉल किया। हाँ, मैं खैरियत से पहुंच गया, बस तुम्हें कॉल करने ही वाला था, बताने वाला था, लेकिन लेकिन क्या कोई मसला हो गया क्या? हाँ सब ठीक है, बस वो मेरा बैलेंस खत्म हो गया था, इसलिए तुम्हें कॉल नहीं कर सका, वरना मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था। यार ये तुम क्या बात कर रहे हो, मैं सीरियस हूँ यार इस मामले में, तुम कह रहे कि तुम्हारे पास बैलेंस नहीं है। अगर ये बात मैं करूँ थोड़ा मुनासिब लगता है यार, तुम तो वज़ीर आज़म का बेटा है। अच्छा मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, उसका सच सच जवाब देना मुझे। हाँ पूछो। तुम एक बात नहीं दस बातें पूछो। दस बातें क्यों पूछूंगा, गजब बेइज्जती है। मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछूंगा कि मैं तुमको थोड़ा सा पैसे भेजता हूँ ना, तुम थोड़ा सा उसका हथियार ले लो, तो हम इसराइल वालों का तबाह और बर्बादी शुरू कर दें। बहुत ज़्यादा रकम है मेरे पास, 20,000 रुपये है, मैं तुमको भेजता हूँ, ठीक है, इजलोड करता हूँ, तुम मुझसे थोड़ा गन ले लो, थोड़ा सा बारूद ले लो और 3-4 एटम बम ले लो, ठीक है? रुको जरा, सबर करो। नहीं पैसे नहीं चाहिए मुझे, वो बस पैसों का तो बंदोबस्त हो गया है, इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। और वो वैसे भी बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, इंसान अगर दो चीजों में पड़ जाए तो कहीं का नहीं रहता। हाँ यार मुझे पता है ना, वो दो बातें क्या है, एक तो जुल्म है और दूसरा बेईमानी है, और आज के दौर में सब यही कर रहे हैं। यही तो बात है। खैर तुम परेशान नहीं हो, मैं देख लूंगा। और ये जो तुम मुझे अपना 20,000 रुपये दे रही थी ना, मैं जब मैं आऊंगा इस 20,000 की हम पार्टी करेंगे, बोलो मंजूर? बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।